के लिए है धमाकेदार 50, जिसमें देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। आतंकी वारदात और टेरर फंडिंग के खिलाफ कश्मीर में जांच एजेंसियों की कार्रवाई, कश्मीर में कई इलाकों में छापेमार जारी। जम्मू कश्मीर में सीबीआई की 37 जगह पर छापेमारी चल रही है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर लीक मामले में छापेमारी हो रही है। पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के पास से प्रतिबंधित सामग्री का एक पैकेज भी बरामद किया गया है। राजस्थान एक बार फिर से गैंग वॉर की बड़ी वारदात से दहल उठा। जोधपुर में गैंग वॉर में हिस्ट्री शीटर राजू मांझू को दिन दहाड़े गोली मारी गई। वारदात का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। जयपुर के नाइट क्लब में फायरिंग मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मामले में गिरफ्तार 3 शूटर से पूछताछ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की बदमाश की बहन समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी। राजस्थान के धौलपुर जमीन विवाद में एक आदमी ने टीचर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। वहां लगे सीसीटीवी में वीडियो रिकॉर्ड हुआ। मध्य प्रदेश के भिंड में दिन दहाड़े बदमाशों ने मामूली बात पर दुकानदार से मारपीट की। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर शुरू की जांच। बिहार के अररिया में 2 पक्षों में विवाद के दौरान कई राउंड फायरिंग और बमबाजी हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के गुरुग्राम में कार चालकों ने कंझावला जैसी वारदात को अंजाम दिया। मोटरसाइकिल सवार लोगों को करीब 4 किलोमीटर तक घसीटने का आरोप है। एक शख्स की मौत हुई। दिल्ली के कंझावला केस में बड़ा खुलासा हुआ है। हादसे के वक्त नशे में थी अंजलि। दिल्ली पुलिस को मिली विसरा रिपोर्ट में दावा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली। रोहिणी सेक्टर 28-29 के पास गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सुरक्षा कर्मियों ने हटाए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से जुड़े विवादास्पद पोस्टर। एएमयू प्रशासन ने बाहरी लोगों पर लगाया पोस्टर लगाने का आरोप। अयोध्या में फोन के जरिए श्रीराम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने आसपास के इलाकों में बढ़ाई सुरक्षा। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हजरत निजामुद्दीन इलाके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की। 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। आरोपियों के पास से हथियार बरामद किया गया। बिहार के बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। कुख्यात अपराधी को भारी मात्रा में जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। बिहार के दानापुर में एक पैरा मेडिकल कॉलेज के अंदर तोड़फोड़ की गई। फायरिंग और छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने करीब 12 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर शुरू की जांच। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक तेज रफ्तार ऑटो ने सड़क पर खड़े आदमी को टक्कर मारी। पुलिस ने दिव्यांग चालक को गिरफ्तार किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के प्रतापगढ़ में एक सफाईकर्मी मोबाइल फोन के टावर पर चढ़ गया और टावर से नीचे कूदने की धमकी दी। पुलिस के पहुंचने पर नीचे उतरा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक दलित लड़की की पुलिस के पहरे में निकली बारात। अगड़ी जाति के कुछ लोगों पर बारात रोकने की धमकी का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। गुजरात के नवसारी में बुलडोजर पर दूल्हे की बारात निकाली गई। मशीन को फूलों से सजाया गया था और उस पर सवार होकर दूल्हा दुल्हन के घर पहुंचा। गुजरात में देर रात आसमान में दिखाई दी चमकती हुई रोशनी। अद्भुत रोशनी को देखने के लिए लोग घरों से बाहर निकले। वैज्ञानिक इसे स्पेस एक्स का स्टारलिंक बता रहे हैं। जयपुर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के धरना स्थल पर बढ़ी पुलिस की घेराबंदी। भारी पुलिस बल और किरोड़ीलाल के समर्थकों में जमकर हुई तकरार। मथुरा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से जख्मी हुआ। पुलिस ने आरोपी से तमंचा, कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसे हालात बनते जा रहे हैं, जहां 6 मकानों में दरार देखी गई है। डीएम ने कहा कि यह इलाका नीचे की ओर जा रहा है, इसका बचना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर के डोडा के रिहायशी इलाके में मकान ढहने से नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। अब तक 15 रिहायशी घरों को खाली कराया जा चुका है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व की बाघिन T1 की बेटी P151 ने दिया 4 शावकों को जन्म। बच्चों को जन्म देने के बाद पहली बार चार बच्चों के साथ नजर आई बाघिन। अबू धाबी से भारत आ रहा विमान हादसे का शिकार हुआ। विमान के उड़ान भरने के बाद बाएं इंजन में लगी आग। एयर इंडिया के विमान की कराई गई आपात लैंडिंग। हैदराबाद में निर्माणाधीन सचिवालय भवन में आग लगने से हड़कंप मचा। दमकल की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज बर्फीले तूफान की आशंका। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अलर्ट पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान।
संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे की वजह से नहीं चल सकी कार्यवाही। विपक्ष के हंगामे के बाद 2 बजे तक लोकसभा और 2:30 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। बीजेपी सांसदों के साथ वित्त मंत्री की बैठक जारी, बजट की बारीकियों पर हो रही है बात। कल से 12 फरवरी तक देश भर में आम लोगों के साथ बजट पर चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। जेपी नड्डा त्रिपुरा के कुमारघाट और अमरपुर में करेंगे रैली। गुवाहाटी में होने वाले Y20 इंसेप्शन समिट से पहले बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा कि देश में महिलाओं ने चुनौतियों का सामना करते हुए सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक दबावों का साहसपूर्वक मुकाबला किया। असम में बाल विवाह के मामलों में 4000 से ज्यादा FIR दर्ज, 14 साल से कम उम्र में शादी के मामलों में होगी पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई। मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने भी दूध की कीमतों में इजाफा किया है, 3 रुपए लीटर बढ़ी हर कैटेगरी के दूध की कीमत, नई दरें आज से ही लागू। अमेरिका के मोंटेना में दिखा संदिग्ध गुब्बारा, चीन पर लगा अमेरिका के परमाणु हथियार केंद्रों की जासूसी करने का आरोप, चीन की एम्बेसी के अधिकारियों का ये दावा है जिन्हें अब तलब किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुलाई सभी दलों की बैठक, आतंकवाद के मुद्दे और चुनौतियों से निपटने के लिए 7 फरवरी को सभी दलों की बैठक है, इमरान खान भी होंगे शामिल। पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बड़ा दावा है, कहा पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $3 अरब बचा है, 3 हफ्ते बाद और बिगड़ जाएंगे हालात। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के एक मंत्री का बैठक में सोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, मुख्यमंत्री के घर चल रही बैठक के दौरान वो खर्राटे भरते नजर आए, बैठक खत्म हुई तो शाहिद खटक की चौंकते हुए आंख खुली। 2 दिन तक जेल में रहने के बाद घर वापस लौटे पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फफार चौधरी का हुआ फूलों से स्वागत, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जेल से रिहा होकर बाहर आए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का दर्द फूट पड़ा, एक टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान फूट फूट कर रोने लगे फवाद चौधरी, कहा जेल में बच्चों की बहुत याद आती थी। यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का आईएसआई को 2 टूक जवाब, खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर यह है कि बैठक में आतंकी तंजीमों ने कहा पैसे और हथियार दोगे तो ही होगा कश्मीर में जिहाद। पाकिस्तान के कराची के पास मौजूद सद्दार में तहरीक ब्लैक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं ने तोड़ी मस्जिद, 3 प्रदर्शनकारियों ने अहमदिया समुदाय के मस्जिद में तोड़फोड़ की। फिलिस्तीन ने एक बार फिर इसराइल पर हमले का आरोप लगाया है और एक वीडियो जारी कर जेनिन शहर के पास हमले का दावा किया गया है, वीडियो में रिहायशी इलाके के ठीक ऊपर आग का गोला नजर आया। अमेरिका के लॉस वेगस में एक पुलिस वाले ने जलती हुई कार से ड्राइवर को रेस्क्यू किया, एक खंभे से टकराकर हादसे का शिकार हो गई थी कार। अमेरिका के टेक्सास से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, वहां एक पुलिस वाला अपने पालतू कुत्ते को बचाने के लिए बवंडर में कूद गया, बवंडर के बीच जाकर बचाई कुत्ते की जान। मेक्सिको में सक्रिय पॉपो कैट पेटल ज्वालामुखी एक बार फिर से विस्फोट हो गया है, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। अमेरिका के हवाई में प्लास्टिक की वजह से एक स्पर्म व्हेल की मौत हो चुकी है, 17 मीटर लंबी व्हेल को क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया गया, जांच के दौरान व्हेल के पेट से बड़ी मात्रा में प्लास्टिक निकला। अमेरिका में चिली के जंगलों में लगी आग से बढ़ा तापमान, 741 हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो चुका है, ऊंची ऊंची आग की लपटों पर काबू करती नजर आई फायर ब्रिगेड की टीम। लेबनान में खतरनाक बर्फीले तूफान से तबाही मची हुई है, शहर और गांव पूरी तरह बर्फीले तूफान की चपेट में आ चुके हैं, जिससे लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो चुके हैं। News 18 India की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।